जयराम रमेश की ओर से दिया गया बयान कांग्रेस पर भारी पड़ने वाला है। राहुल प्रियंका की मेहनत पर फिर जाएगा पानी। योगी ने मौके की नजाकत को भांपा, गांधी परिवार को दे दिया नया नाम। यूपी में कांग्रेस से बजरंग बली खफा, बीजेपी तो छोड़िए कांग्रेस ही कहने लगे, नुकसान की भरपाई करने में गुजर जाएंगी सदियां। हिमाचल में कांग्रेस का बेड़ा बजरंग बली ने किया, कर्नाटक में बजरंग बली ने जीत का आशीर्वाद दिया। मध्य प्रदेश, राजस्थान में प्रियंका, राहुल की कांग्रेस को बजरंग बली से जीत का रास्ता चाहिए, लेकिन उसी बजरंग बली के जुबा जुबा पर लाने वाले को जब सम्मान मिला तो कांग्रेस के वीर नेता ने वीरता दिखा दी। सवाल ऐसा उठाया कि जिस राजनीतिक राह पर राहुल प्रियंका निकले, हिंदुओं के बीच उनकी पार्टी कांग्रेस की छवि निखर रही थी, उन्हीं हिंदुओं के बीच आस्था को लाने वालों को मिले सम्मान पर सवाल ने प्रियंका और राहुल को कटघरे में खड़ा कर दिया। प्रियंका राहुल ने जो मंदिर मंदिर घूमकर कांग्रेस की नई राजनीतिक इमारत लिख रहे हैं, उसी सोच की इमारत की बुनियाद में कांग्रेस नेता जयराम रमेश की कही बात ने छेद कर दिया, दरार पैदा कर दी। इसलिए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसी का नाम लिए बगैर इशारों इशारों में कांग्रेस पार्टी, जयराम रमेश, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पर जमकर निशाना साधा। योगी ने गांधी परिवार को एक्सीडेंटल हिंदू करार दिया। देश के सबसे पुराने दल के रूप में स्थापित करने की बात करती है, उस कांग्रेस के लोग भारत की विरासत के प्रति इतना गंदा रवैया रखते हो, इससे बड़ी निर्लज्जता की बात दूसरी नहीं हो सकती है। और इसीलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हमें अपने गौरवशाली विरासत पर सदैव गर्व करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार के लिए गीता प्रेस का चयन करने के केंद्र के फैसले की आलोचना करने पर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि गोरखपुर को दिए गए सम्मान को दुर्घटनाग्रस्त सिंधु के वंशज पचा नहीं पा रहे हैं। सीएम ने बलरामपुर में अपने भाषण के दौरान किसी का नाम लिए बगैर कहा, गीता प्रेस को मिले सम्मान को आकस्मिक हिंदू के वंशज पचा नहीं पा रहे। कांग्रेस के लिए अपनी विरासत के प्रति इतना गंदा रवैया रखना बेशर्मी की बात है। गीता प्रेस एक सदी से सनातन हिंदू धर्म की सेवा कर रहा है। गीता प्रेस पिछले 100 सालों से धार्मिक साहित्य का प्रकाशन कर रहा है। गीता, वेद, रामायण, रामचरितमानस सहित सभी प्रकार के धार्मिक साहित्य के प्रकाशन का यह मुख्य केंद्र रहा। बिना किसी सरकारी सहयोग के सस्ते दाम पर मानवता का कल्याण और सनातन हिंदू धर्म इसका मार्ग प्रशस्त करता है। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार मिलने पर जयराम रमेश ने कहा था, 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गोरखपुर में गीता प्रेस को प्रदान किया जा रहा है, जो इस साल अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। अक्षय मुकुल ने 2015 में इस संस्थान की एक बहुत अच्छी जीवनी लिखी। इसमें उन्होंने इस संस्थान के महात्मा के साथ उतार चढ़ाव वाले संबंधों और राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक एजेंडे पर उनके साथ चली लड़ाइयों का खुलासा किया। ये फैसला वास्तव में एक उपहास है और सावरकर गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है। हालांकि जयराम रमेश के इस बयान पर कांग्रेस के अंदर खाने ही विरोध शुरू हो चुका है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा, गीता प्रेस का विरोध हिंदू विरोधी मानसिकता की पराकाष्ठा है। राजनीतिक पार्टी के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को इस तरह के धर्म विरोधी बयान नहीं देने चाहिए, जिसके नुकसान की भरपाई करने में सदियां गुजर जाएं। गौर करने वाली बात यह कि 1923 में स्थापित गीता प्रेस दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है, जिसने 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित की, जिनमें 16.2 करोड़ श्रीमद भागवत गीता शामिल है। संस्कृति मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली ज्यूरी ने सर्वसम्मति से गांधी शांति पुरस्कार के लिए गीता प्रेस गोरखपुर का चयन करने का फैसला किया, लेकिन जयराम रमेश ने इसे सावरकर और गोडसे को पुरस्कृत करने जैसा बताया। तो यह बयान सामने आने के बाद योगी ने गांधी परिवार को एक्सीडेंटल हिंदू करार दे दिया।